सर फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 7th October 2019 मंडे है, सुबह के 8:18 हो रहे हैं. नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. लास्ट वीक हमने देखा जबरदस्त निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार टुवर्ड्स साउथ की तरफ एक मूव हमें देखने को मिली, जो दो दिन में करीब इसने 700-800 पॉइंट का गेन हमें दिखाया था. वो फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर वो खोता हुआ दिखाई दे रहा है. अभी जो ग्लोबल वरीज है, स्लो डाउन की चिंता जताई जा रही है, और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इसका साफ असर इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला है. हालांकि इसके बावजूद सरकार कुछ अच्छे स्टेप्स लेने की कोशिश कर रही है जिससे इकोनॉमी में बूम देखने को मिल सके. आरबीआई की रेट कट पॉलिसी आई थी फ्राइडे को, उसके बाद में निफ्टी और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करने लग गया. रेट कट होना यानी आरबीआई को भी ये समझ में आ रहा है कि डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा आना चाहिए ताकि वो खरीदारी कर सके. तो जब रेट आरबीआई की तरफ से रेट स्टेबल रहते हैं यानी सब कुछ सही चल रहा है ऐसा माना जाता है. जब भी रेट कट होते हैं तभी ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, डिमांड नहीं आ रही है, सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए ये रेपो रेट को कम किया गया है. तो आज निफ्टी इंडेक्स में क्या देखने को मिल सकता है ये आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं ये देखेंगे. लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू. तो ये एक पिक्चर है फ्राइडे का यानी 4th October आफ्टर मार्केट आवर से ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में यहाँ आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,321 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,289. तो जैसे कि आप देख रहे निफ्टी इंडेक्स हमारा जो सेकेंड टारगेट था टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, इसके ऊपर ओपन हुआ. तो यहाँ पर शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बना, और जैसे ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ हमारा ब्रेकडाउन लेवल जैसे यहाँ पर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 11,271 ये यहाँ पर अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 11,258 ये भी अचीव हुआ. तो फ्राइडे के इस एनालिसिस इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो यह था फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. फ्राइडे को अमेरिकी बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा वहां पर रिलीज हुआ था, दोनों भी हरे निशान में मजबूती के साथ बंद हुए. यूरोपियन मार्केट देखे तो वहां पर भी हरे निशान में मार्केट बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स 52 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है. चाइना मार्केट अभी भी बंद है, वहां पर छुट्टियां चल रही है. हांगकांग मार्केट भी आज बंद है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 113 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था, और एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल अभी एशियाई मार्केट से थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है. चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट. हमने यहाँ पर ये जो फॉल आया था इसका हाई और लो पकड़ के ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था. तो इसने 61.8% का 11,543 ये लेवल यहाँ पर अचीव किया था, और ये लास्ट के लास्ट वीक एक दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाया था. दोजी के बाद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक बड़ा मूव आता है जब ये इनडिसिसिव पैटर्न का ये कैंडल बनता है, उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिलता है. और हमने सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था पहले 20 EMA, उसके बाद में 50 EMA. तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 50 EMA के पास आके ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है. अभी ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, और ये अभी 50 EMA को भी ब्रेक कर सकता है ऐसा लग रहा है यहाँ पर. तो नेक्स्ट यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट होगा अराउंड 11,000, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर है. ये 11,000 एक लेवल होगा सपोर्ट का. अगर 11,000 को भी ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर से एक बार हमें ये जो 100 EMA का यहाँ पर जिसने सपोर्ट टेस्ट किया था पास्ट में, फिर से एक बार 100 EMA को ये सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि अराउंड 10,800 के पास है. अभी फिलहाल फर्स्ट सपोर्ट तो एज पर वीकली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, 11,000 फर्स्ट एक सपोर्ट लेवल होगा, और उसके बाद ये 100 EMA होगा. अगर इसे ऊपर आना है, फिर से ऊपर आना है, तो पहले तो इन दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसे क्लोज देना पड़ेगा, और यहाँ से एक डिसीजिव मूव दिखानी पड़ेगी. और ये जो अभी स्विंग हाई यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है
माफ कीजिए, ये स्विंग हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसे ब्रेक करना होगा। इसके ऊपर अगर ये क्लोज होता है, इस स्विंग हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव आने का हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। अभी फिलहाल वीकली चार्ट का ये सिनेरियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो अपसाइड मूव आया था 700-800 पॉइंट का, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर जो था वो एक अपसाइड मूव का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये जो मूविंग एवरेजेस है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, ये तीनों के ऊपर ये असेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए और इन तीनों के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देना चाहिए। अभी भी ये देखे मूविंग एवरेजेस मिक्स अप है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं है, बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है। जो सेटअप चाहिए होता है टेक्निकल सेटअप, प्रॉपर ट्रेंड लाइन को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो अपसाइड मूव के लिए जो सेटअप बनना चाहिए वो अभी फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। अभी यहाँ से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें इस लो और इस हाई को पकड़ के, तो एग्जैक्ट अभी 50% का ये जो लेवल था इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव किया। ये जो तीन लेवल है 38.2, 50%, 61.8%, यहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ये तो 50 EMA का ये जो लेवल अचीव किया है, इस समय इसने स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बनाया, तो हो सकता है अगर ये लो लास्ट वीक का लो अगर ब्रेक करते हैं तो 11,061 तक लेवल हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं। अभी फिर से ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस है इसके नीचे आके ये क्लोज हुआ है, तो यहाँ से बेयरिशनेस काफी बढ़ सकता है। अगर लाइन चार्ट में हम देखें तो लास्ट वीडियोस में हमने यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था, और जैसे इसका नेक लाइन ब्रेक हुआ यानी नेक लाइन के नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ से हमें और भी ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हमें देखने को मिला। तो अभी फिलहाल पैनिक सिचुएशन थोड़ा बड़ा हुआ है, देखते हैं आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं निफ्टी के लिए। तो ये जो फॉल आया था तो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना है इसका अगर ये लो अगर ब्रेक करता है यानी 11,001157 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,129। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया हुआ है पास्ट में, तो हमारा 11,129 ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,089 जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है। और अगर ये हाफ एन आवर के कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है यानी 11,215 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,244। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,269। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।